Hello everyone, very very good morning, very very good evening all of you, very very warm welcome dear learners on India's largest learning platform Unacademy. आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बच्चों. वेरी वेरी वार्म वेलकम, वेरी वेरी वार्म वेलकम ऑल ऑफ यू. तो गाइज आज का सेशन हम देखने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनसीसीएनसी ऑपरेशंस का, जिसमें बीएलयू के बारे में थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हम करने जा रहे हैं. राइट, बीएलयू के बारे में बहुत सारी चीजें देखने जा रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा सेशन को शेयर कर दो. मेरी आवाज आ रही है सबको? होप आई एम क्लियरली ऑडिबल एंड विजिबल. Great, amazing. Let's start the session. Okay, let's start. एनसीसीएनसी, आज बीएलयू पे क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं माय डियर. एनसीसीएनसी ऑपरेशंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट करने से पहले अब मैं आपको अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं. मेरा नाम शहपर अयाज है, मैंने अपना बीटेक NIFFT रांची से किया है एंड आई वॉज सिलेक्टेड इन IIT कानपुर फॉर मास्टर्स प्रोग्राम. आई डिड माई प्रोजेक्ट वर्क एट IIT BHU, 6+ years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस एंड आई मेंटर्ड ISRO 2020 AIR 1. ज्वाइन विद अस ऑन माई टेलीग्राम चैनल. मेरा टेलीग्राम चैनल है सरन अकेडमी. इस टेलीग्राम चैनल पे आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं. अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने के क्या क्या फीचर्स हैं? बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि अगर हम अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लें तो हमें क्या बेनिफिट होगी. तो गाइस, अनअकैडमी पे इंडिया के टॉप एडुकेटर्स आपको मिलेंगे, डाउट सॉल्विंग सेशंस आपको मिलेगा, स्टडी नोट्स आपको मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगा, फिजिकल नोट्स, 1:1 मेंटरशिप, स्ट्रेटजी, पर्सनलाइज्ड गाइडेंस, ये सारी चीजें आपको इंडिया के टॉप प्लेटफॉर्म पे मिलेगी. गेट NEAC मैकेनिकल सिविल में ये 4 मंथ फ्री सब्सक्रिप्शन प्लान है, 4 महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन प्लान ऑन योर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. अगर आप अनअकैडमी पे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 4 मंथ फ्री है एंड सेव अप टू 39% एंड दिस सेशन इज वैलिड टिल 7th of July, 7 जुलाई, मतलब आज रात 12 बजे तक ये वैलिड है. आप कोड यूज करो IAS10, IAS10 कोड यूज करके इस सेशंस को जरूर ज्वाइन करो माय डियर. इस सेशंस को जरूर ज्वाइन करिए बाय यूजिंग द IAS10 कोड, गेट अप टू 4 मंथ फ्री. ओके, अटेंशन ऑन गेट NEAC एस्पिरेंट्स, अगर आप एडिशनल ₹1,003 पर मंथ पे करते हैं, गेट एक्सेस टू द लाइव क्लासेस बाई द टॉप एडुकेटर्स, 800+ प्रिंटेड नोट्स, अनलिमिटेड एक्सेस, प्रायोरिटी इन हैंड रेज बेनिफिट्स, ये सारी चीजें आपको प्रायोरिटी यहाँ पे मिलेगी. आपको कोड यूज करना है IAS10. क्या यूज करना है? IAS10. इस कोड को यूज करो और इंजॉय करो. ओके, नथिंग कैन स्टॉप यू फ्रॉम चेजिंग योर गेट NEAC ड्रीम. 0% EMI, 2 घंटे के अंदर में लोन मिल जाएगा, मिनिमल पेपर वर्क है और टेन्योर भी आपका फ्लेक्सिबल है. ये आपको प्लस और आइकॉनिक, अगर ये दोनों सब्सक्रिप्शन प्लान आपको चाहिए तो आप IAS10 कोड यूज करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं. ओके, IAS10 कोड यूज करके आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं. 24 मंथ, 18 मंथ, 12 मंथ, 9 मंथ, 6 मंथ का ये प्लान स्ट्रक्चर है. EMI पे भी पेमेंट्स कर सकते हैं, वन टाइम पेमेंट भी कर सकते हैं, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो उस प्लान को आप यहाँ पे माय डियर ले सकते हैं. कम्युनिटी फीचर्स, आज मैंने एक टेस्ट कंडक्ट किया था मैकेनिकल के लिए, तो कम्युनिटी फीचर्स एंड्रॉइड दैट फैसिलिटेट एडुकेटर एंड लर्नर्स कनेक्ट. तो आप अनअकैडमी होम पेज पे जाओ, क्लिक ऑन द कम्युनिटी, क्लिक ऑन डिस्कवर एंड फॉलो योर फेवरेट एडुकेटर, अपने फेवरेट एडुकेटर को फॉलो कर सकते हैं. 1:1 लाइव मेंटरशिप, अनअकैडमी गेट NEAC आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस, 1 free 30 minutes mentor introductory sessions, schedule session as per your convenience,
नो लिमिट ऑन शेड्यूलिंग द सेशंस एग्जाम एंड प्रिपरेशन गाइडेंस। आपको 30 मिनट्स का एक इंट्रोडक्टरी सेशंस मिलेगा, आप सेशंस शेड्यूल कर सकते हैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। एग्जाम और प्रिपरेशन गाइडेंस ये सारी चीजें आपको मिलेगी। स्पेशल क्लास फीचर्स, अनअकैडमी पे इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस होता है, पोल्स होता है लर्नर्स के लिए, हैंड रेज बेनिफिट्स है, नेवर मिस अ क्लास, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, लेक्चर नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं और एनी टाइम एनी वेयर माई डियर आप पढ़ सकते हैं, एनी टाइम एनी वेयर आप माई डियर पढ़ सकते हैं। ओके, ओके, तो नाउ गाइस अनअकैडमी भी जो हमारा बैच स्टार्ट हुआ, लक्ष्य बैच जुलाई 6, वेरी इंपॉर्टेंट बैच। प्रगति बैच स्टार्ट हुआ गेट 2024 का जुलाई 6 से, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा गेट 22 का रिजल्ट है अनअकैडमी का, ये हमारा ईएसी 2021 का रिजल्ट है अनअकैडमी का। तो दीज आर द रिजल्ट बाय ईयर एंड एज वेल एज ये हमारा ईएसी और गेट का रिजल्ट। चलते सेशंस में आगे बढ़ते हैं, एवरीवन देख लो। चलो आगे बढ़ते, कहां तक मैंने पढ़ाया था आपको, ये क्वेश्चंस वगैरह कराया था कि प्रोग्रामिंग में आपका प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं और प्रोग्रामिंग का एक दो क्वेश्चन बताया था। तो आज का टॉपिक है हमारा बीएलयू पल्स फ्रीक्वेंसी और वर्क टेबल स्पीड, इस पे हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं आज का सेशन। ओके, तो स्टार्ट करेंगे माय डियर बीएलयू के बारे में, क्या होता है पल्स फ्रीक्वेंसी, एनसीसीएनसी प्रोग्रामिंग, ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ाई हुई ऑलरेडी, थोड़ा थोड़ा शेयर कर दो माय डियर, देन हम स्टार्ट करते हैं। चलो, वीडियो स्टक कर रहा है कहीं पे भी, वीडियो अगर स्टक करे तो मुझे जरूर बताइएगा, अगर कहीं पे वीडियो स्टक करे तो प्लीज एवरीवन लेट मी नो। नहीं हो रहा है ना, चलो बढ़िया, तो चलते हैं दोस्त। बहुत सारा क्वेश्चंस था जो आपको मुझे कराना था, मैंने कराया भी, आप लोगों ने किया भी, आई एम वेरी हैप्पी। नेक्स्ट माय डियर हम आ जाते हैं आगे, थोड़ा सा बीएलयू के कॉन्सेप्ट पे, बीएलयू की चर्चा करते हैं, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल हमारे गेट एग्जाम्स में आता है, बहुत ही ज्यादा न्यूमेरिकल। तो इस टॉपिक को अगर कोई लड़का देख लेगा तो उसका ऑलमोस्ट सारा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। देखो तो बीएलयू में अगर हम लोग देखें कि क्या हमें टॉपिक को करना है अभी नेक्स्ट, तो सबसे पहले हम देखेंगे कंट्रोल लूप यूनिट, क्या हमारा कंट्रोल लूप यूनिट। कंट्रोल लूप यूनिट सीएलयू, राइट, कंट्रोल लूप यूनिट मीन सीएलयू। ये दो तरह का होता है, एक होता है हमारा ओपन लूप कंट्रोल यूनिट, एक होता है हमारा क्लोज लूप कंट्रोल यूनिट। तो हम कंट्रोल लूप यूनिट को देखने वाले हैं। ओके, तो देखते हैं ये कंट्रोल लूप यूनिट क्या होता है। इट कंटेन्स ऑल डिवाइसेस, इस कंट्रोल लूप यूनिट में सारा डिवाइस होता है फॉर अचीविंग अ रिक्वायर्ड मोशन अलोंग ए एक्सिस। अगर किसी एक्सिस के अलोंग आपको एक सर्टेन मोशन चाहिए, किसी भी एक्सिस के अलोंग इफ यू वांट अ सर्टेन मोशन, तो हम एक कंट्रोल लूप यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्या होता है, सारा डिवाइसेस होता है। इट कंटेन्स ऑल डिवाइसेस फॉर अचीविंग required motion
फॉर अचीविंग रिक्वायर्ड मोशन अलोंग एन एक्सिस, अलोंग एन एक्सिस राइट, इट कंटेन्स ऑल डिवाइसेस फॉर अचीविंग रिक्वायर्ड मोशन अलोंग एन एक्सिस। अब हमारा आता है इसमें कुछ एलिमेंट्स आता है, कंट्रोल लूप एलिमेंट्स, कंट्रोल लूप एलिमेंट्स। राइट, तो कंट्रोल लूप एलिमेंट्स की अगर बात करें तो इसमें सबसे पहला है हमारा कभी भी आप एनसीसीएनसी में मान आपको क्या, आपको वर्क टेबल को एक सर्टेन स्पीड पे मूव करना है राइट, आपको एक रिक्वायर्ड मोशन चाहिए किसी एक्सिस के अलोंग, तो कुछ डिवाइसेस को हमें यहां पे यूज करना पड़ता है। तो कौन कौन सा डिवाइसेस होता है, सबसे पहला होता है हमारा पल्स जेनरेटर। क्या होता है, पल्स जेनरेटर राइट, पल्स जेनरेटर, और इनकोडर भी हम यूज करते हैं, इसको भी पल्स जेनरेट करने के लिए यूज करते हैं राइट। तो इसका क्या पर्पस है हमारा पल्स जेनरेटर का, तो इट सेंड्स इलेक्ट्रिकल पल्सेस कंटिन्यूअसली एट अ डेफिनेट फ्रीक्वेंसी टू द स्टेपर मोटर और सर्वो मोटर। तो अगर आपके पास स्टेपर मोटर है या सर्वो मोटर है तो मोटर को रन करने के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम किस फॉर्म में देते हैं, वी प्रोवाइड दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द इलेक्ट्रिकल पल्सेस। तो यही पल्स जनरेटर है, हमें एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी पे जैसे एक मिनट में 1000 पल्स राइट, एक मिनट में 10000 पल्स, एक मिनट में 100 पल्स, एक सेकंड में 20 पल्स, तो एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी पे इनकोडर वर्क करता है, और न्यूमेरिकल सॉल्व करने में इसकी पल्स फ्रीक्वेंसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ठीक है। तो इट सेंड्स, इसके बारे में एक दो पॉइंट लिख लेते हैं, इट सेंड्स इलेक्ट्रिकल पल्सेस, इलेक्ट्रिकल पल्सेस राइट, ऐसे हम लोग जनरली पल्स बोलेंगे न्यूमेरिकल बनाने में, कंटिन्यूअसली एट ए डेफिनिट फ्रीक्वेंसी टू द स्टेपर मोटर, टू द स्टेपर मोटर और सर्वो मोटर, सर्वो मोटर का भी इस्तेमाल हम करते हैं राइट एवरीवन। तो इलेक्ट्रिकल पल्सेस या इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक डेफिनेट फ्रीक्वेंसी पे अगर आप सप्लाई करते हो, एट अ डेफिनेट फ्रीक्वेंसी, अगर आप एक डेफिनेट फ्रीक्वेंसी पे इसको सप्लाई करते हो स्टेपर मोटर और सर्वो मोटर को, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पल्स जनरेटर और इनकोडर। दूसरा अगर हम बात करें स्टेपर मोटर के बारे में, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग लें स्टेपर मोटर क्या होता है, कैसे काम करता है, इसके बारे में भी समझना बहुत जरूरी है। तो दूसरा है हमारा स्टेपर मोटर, स्टेपर मोटर राइट, स्टेपर मोटर करेक्ट एवरीवन, स्टेपर मोटर। देखो स्टेपर मोटर हमारा क्या है, क्योंकि बहुत सारा न्यूमेरिकल आपको स्टेपर मोटर से देखने को मिलेगा, तो जैसे इनकोडर के बाद इनकोडर से कनेक्ट होता है स्टेपर मोटर, तो इनकोडर जब इलेक्ट्रिकल पल्सेस देगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देगा किसको, स्टेपर मोटर को, स्टेपर मोटर रोटेट करेगा। तो अगर स्टेपर मोटर इस तरह काम करता है कि अगर आप एक पल्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी दोगे तो वो एक स्टेप क्या करेगा, घूम जाएगा, वन स्टेप पर पल्स राइट। तो वोल्टेज पल्स
इसमें इनपुट होता है और स्टेप्स में ये मूव करता है, राइट। तो इसके बारे में दो तीन पॉइंट लिख लेते हैं कि इट मूव्स डिस्क्रीट स्टेप्स, इन रिस्पॉन्स टू वोल्टेज पल्स, इन रिस्पॉन्स टू वोल्टेज पल्स एज इनपुट, राइट। इट मूव्स डिस्क्रीट स्टेप्स इन रिस्पॉन्स टू द वोल्टेज पल्स एज इनपुट, राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कि कीवर्ड याद रखिएगा स्टेपर मोटर में, बाय कैरिंग वन एंगुलर स्टेप, बाय कैरिंग वन एंगुलर स्टेप for every pulse received, right। मतलब अगर आप एक एंगुलर स्टेप ये घूमेगा एक पल्स के कोरस्पॉन्डिंग, राइट। वन एंगुलर स्टेप फॉर एवरी पल्स, राइट। मतलब कंक्लूड आप कर सकते हो इसको ऐसे के वन स्टेप पर पल्स, वन स्टेप पर पल्स, राइट। वन स्टेप पर पल्स मतलब वन स्टेप पर पल्स। कभी भी न्यूमेरिकल बनाओगे तो एक स्टेप को एक पल्स से रिप्लेस कर सकते हो, कहीं पे भी हमेशा याद रखना वन पल्स वन स्टेप, 360 पल्स 360 स्टेप्स, राइट। अब मैं तुम्हें दिखाता हूं स्टेपर मोटर को थोड़ा सा और अच्छे से। मान लो ये तुम्हारा स्टेपर मोटर है दोस्त, राइट। देख तो इसमें बहुत सारा स्टेप्स बना हुआ रहेगा, ये सेंटर है, राइट। ये तुम्हारा सर्टेन एंगल्स पे ये बना हुआ रहता है, राइट, लाइक दिस। राइट एवरीवन, तो ये हमारा मान लो ये दोनों स्टेप ये जो है तुम्हारा ये तुम्हारा जो ये एक स्टेप हो गया, ये दो स्टेप तीन स्टेप चार स्टेप पांच स्टेप छह स्टेप सात स्टेप, तो इसमें ये जो है तुम्हारा जो एंगल है इसको बोलते हैं अल्फा, अल्फा इज योर स्टेप एंगल, अल्फा इज योर माय डियर स्टेप एंगल, अल्फा डिग्री इज योर स्टेप एंगल, राइट। अल्फा है हमारा स्टेप एंगल, मतलब अगर एक सुनना गौर से, अगर एक पल्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टेपर मोटर को मिलेगा, वन पल्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगा, तो ये एक स्टेप एंगल घूम जाएगा, अल्फा डिग्री ये घूम जाएगा, राइट। तो अल्फा स्टेप एंगल और एनएस है हमारा क्या, नंबर ऑफ स्टेप्स, क्या है नंबर ऑफ स्टेप्स, राइट। एक स्टेपर मोटर में कितना स्टेप्स है टोटल, तो ये हमें निकालने के लिए कभी कभी न्यूमेरिकल में आता है। तो तुम खुद देखो अल्फा जो स्टेप एंगल है ये एक स्टेप के कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, एक पल्स के कोरस्पॉन्डिंग, अल्फा जो है दैट इज अल्फा डिग्री इज द एंगल कोरस्पॉन्डिंग टू वन पल्स। अगर आप वन पल्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी दोगे तो स्टेपर मोटर आपका अल्फा डिग्री घूम जाएगा, याद रहेगा ये। अगर आप वन पल्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे स्टेपर मोटर अल्फा डिग्री घूम जाएगा, क्लियर। मतलब अल्फा डिग्री अगर आप देंगे, और एक पल्स क्या होता है स्टेपर मोटर में, वन पल्स इज कोरस्पॉन्डिंग टू व्हाट, वन स्टेप,
इसका मतलब एक पल्स में अल्फा डिग्री घूमा, मतलब अल्फा डिग्री मतलब वन स्टेप्स। तो अगर आपका 1 डिग्री घूमेगा तो आपका कितना स्टेप होगा? 1 बाई अल्फा, 1 बाई अल्फा स्टेप। तो अगर 360 डिग्री घूम रहा है, राइट, अगर मान लो हमें टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स निकालना है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स कितना होगा? एक रिवॉल्यूशन में टोटल 360 डिग्री में आप देखिएगा कितना स्टेप्स है, राइट। एक मोटर में एक रिवॉल्यूशन जब कंप्लीट करेगा तो पता चलेगा एग्जैक्टली कितना स्टेप्स है। तो 360 डिग्री में कितना स्टेप होगा? ये आपका हो जाएगा 360 बाई अल्फा। क्या हो जाएगा माय डियर? 360 बाई अल्फा स्टेप्स। राइट, तो इसका मतलब हमें पता चल गया, कभी भी सवाल में पूछे कि नंबर ऑफ स्टेप्स कभी निकालना, अल्फा स्टेप एंगल, तो नंबर ऑफ स्टेप्स क्या हो जाएगा? 360 बाई स्टेप एंगल, 360 बाई अल्फा स्टेप एंगल। याद रहेगा एवरीवन, 360 बाई अल्फा, अल्फा इज द स्टेप एंगल। इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इन एनसीएनसी, नंबर ऑफ स्टेप्स निकालने के, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो ये आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा कि वन पल्स इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू वन स्टेप, एंड फॉर वन स्टेप एंड वन पल्स द स्टेपर मोटर रोटेटेड बाय अल्फा एंगल, राइट, एंड अल्फा इज द एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग टू वन स्टेप एंड वन पल्स। तो आप यहां से निकाल लें इधर नंबर ऑफ स्टेप 360 बाई अल्फा। अब दूसरा, सबसे पहला जो आपको मैंने बताया कि ऑल डिवाइसेस, इस डिवाइसेस का सीक्वेंस आपको समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले कोई भी आप ओपन लूप कंट्रोल यूनिट जब देखेंगे, क्या होगा? पल्स जनरेटर, जो इलेक्ट्रिकल पल्सेस को जनरेट करेगा, उससे कनेक्ट क्या होता है? स्टेपर मोटर। और स्टेपर मोटर के बाद आपका क्या होता है? लीड स्क्रू। जो लीड स्क्रू का मेन पर्पस होता है कि रोटेशनल मोशन को ट्रांसलेशन मोशन में कन्वर्ट कर दे नट के थ्रू, क्योंकि वर्क टेबल जो हो वो ट्रांसलेट करे। तो कभी कभी क्या होता है, हम स्टेपर मोटर और लीड स्क्रू के बीच में गियर बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी क्या होता है गियर बॉक्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो हम आपको एक जनरल चीज पढ़ाएंगे विद गियर बॉक्स भी और विदाउट गियर बॉक्स भी, क्योंकि दोनों से न्यूमेरिकल गेट एग्जाम में आता है, ठीक है। तो चलिए लेक्चर्स को देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहां तक समझ में आ रहा है? चैट बॉक्स में मुझे बताइए प्लीज, यहां तक आपको चीजें समझ में आ रही है? एवरी वन जस्ट लेट मी नो गाइज, यहां तक चीजें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, जल्दी बताओ। क्लियर है? क्लियर है एवरी वन? एनी प्रॉब्लम गाइज? नो प्रॉब्लम एट ऑल, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़िए थोड़ा सा। बहुत बढ़िया, आ जाओ आगे बढ़ते हैं एवरीवन। देखो नेक्स्ट हमारा ये है कि नेक्स्ट पल्स जनरेटर हो गया हमारा, स्टेपर मोटर हो गया हमारा, अब आ जाते हैं हम लोग तीसरा, थर्ड है हमारा गियर बॉक्स। थर्ड क्या है हमारा? गियर बॉक्स। गियर बॉक्स का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, देखो विद और विदाउट गियर बॉक्स। तो गियर बॉक्स का मेन पर्पस होता है यहाँ पे स्पीड रिडक्शन के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो ये अगर तुम्हारा ऐसा है, समझना गौर से, अब ये गियर बॉक्स में ये हमारा इनपुट शाफ्ट है, ये हमारा आउटपुट शाफ्ट है, इज योर इनपुट शाफ्ट, इज योर आउटपुट शाफ्ट, करेक्ट। राइट, और ये हमारा है आउटपुट। तो ये हो गया हमारा गियर बॉक्स। राइट, तो अब इनपुट शाफ्ट का आरपीएम क्या होगा? मान लो ये है एन इनपुट और ये है हमारा आउटपुट शाफ्ट का आरपीएम एन आउटपुट, ठीक है दोस्त।
अगर मान लो ये नंबर ऑफ टीथ है, नंबर ऑफ टीथ इन इनपुट शाफ्ट, ये तुम्हारा नंबर ऑफ टीथ इन आउटपुट शाफ्ट, क्लियर। तो कभी कभी तुम्हें एक क्वेश्चन में देगा गियर रेशियो, क्या देगा गियर रेशियो, तो याद रखना गियर रेशियो। देखो गियर रेशियो इसको डिनोट करेंगे हम लोग यू से, किससे यू, तो यू तुम्हारा क्या होगा एन आउटपुट बाई एन इनपुट, एन आउटपुट बाई एन इनपुट। अच्छा टीथ के लिए क्या हो जाएगा, टीथ हो जाएगा तुम्हारा टी इनपुट बाई टीथ आउटपुट, क्योंकि टीथ से भी क्वेश्चन दे सकता है। तो कभी तुम्हें अगर आरपीएम या रिवॉल्यूशन निकालना हो, आउटपुट शाफ्ट का रिवॉल्यूशन निकालना हो, तो यू इंटू एन इनपुट, यू इंटू एन इनपुट राइट, एन आउटपुट इज द यू इंटू एन इनपुट करेक्ट। इस तरह से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ गियर बॉक्स। कभी भी आए टीथ दिया रहे या आरपीएम दिया रहे, आपको इन चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा, टीथ और इनपुट को, क्लियर, टीथ और इनपुट को, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एवरी वन सब लोग ज्वाइन कर लो, प्लीज ज्वाइन कर लो गाइस। याद रहेगा गाइस कैसे कर रहे हैं, गियर रेशियो आउटपुट आरपीएम बाई इनपुट आरपीएम, टीथ के टर्म में इनपुट टीथ बाई आउटपुट टीथ। क्वेश्चन इससे आता है तो आपको इसको ध्यान में रखना है एवरीवन, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। एवरीवन चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। देखो देखो नेक्स्ट देखते हैं गाइस, नेक्स्ट हमारा क्या है, गियर बॉक्स के बाद नेक्स्ट अगर बात करें, स्टेपर मोटर के बाद गियर बॉक्स के बाद चौथा चीज जो हम यूज करते हैं फोर्थ, ये हमारा लीड स्क्रू नट मैकेनिज्म। क्या यूज होता है, लीड स्क्रू नट मैकेनिज्म, इसको समझ लोगे ना एक भी न्यूमेरिकल ऐसा नहीं होगा जो तुम्हारा गलत हो। लीड स्क्रू नट मैकेनिज्म, लीड स्क्रू नट मैकेनिज्म, ओके। देखो लीड स्क्रू नट मैकेनिज्म की अगर बात करें तो ये तुम्हारा इस तरह का तुम्हें दिखेगा लीड स्क्रू। मान लो ये ऐसा है, राइट, ये तुम्हारा नट है और इस पे तुम्हारा वर्क टेबल रखा हुआ है, इस पे तुम्हारा वर्क टेबल रखा हुआ है राइट, इस पे तुम्हारा वर्क टेबल रखा हुआ। इसको समझो गौर से, ये तुम्हारा शाफ्ट है
लीड स्क्रू का शाफ्ट है राइट। राइट तो ये है हमारा वर्क टेबल, ये हमारा नट माय डियर, ये हमारा लीड स्क्रू शाफ्ट राइट, और ये हमारा वर्क टेबल। अब यहां पे थोड़ा अच्छे से समझना, चीजों को समझ गए एक बार सवाल आराम से बन जाएगा। अब ये जो लीड स्क्रू है इसका एक पिच दिया रहेगा, जब न्यूमेरिकल बनाओगे लीड स्क्रू का लीड या लीड स्क्रू का पिच आपको दिया रहेगा ठीक है। क्वेश्चन में समझना गौर से, अगर मान लो क्वेश्चन में तुम्हें दिया हुआ है ये, जैसे मान लो एक रिवॉल्यूशन लगाएगा ये लीड स्क्रू है ना, ये अगर एक रिवॉल्यूशन ऐसे लगाएगा रोटेट करेगा राइट, तो ये वर्क टेबल कुछ ना कुछ क्या होगा ट्रांसलेट, वर्क टेबल अपने जगह से कुछ ना कुछ मूव कर जाएगा। मान लो ये ऐसे यहां चला गया, ऑब्वियस बात है ना, ये अगर घूमेगा तो वर्क टेबल ट्रांसलेट करेगा सर्टेन डिस्टेंस। तो यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, तो समझना कि अगर ये एक रिवॉल्यूशन, अगर ये लीड स्क्रू एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा तो वर्क टेबल कितना ट्रांसलेट करेगा, ये समझ गया तो काम हो जाएगा। तो सुनो गौर से, अगर मान लो मैं तुम्हें दो तीन चीज बता रहा हूं गौर से सुनना। एक टर्म होता है एल, एल बोलते लीड को, एल होता है हमारा, एल इज द लीड ऑफ द लीड स्क्रू, एल इज इक्वल्स टू लीड ऑफ द लीड स्क्रू, लीड ऑफ द लीड स्क्रू करेक्ट। अच्छा एक टर्म होता है आपका एन, जिसको बोलते हैं नंबर ऑफ स्टार्ट, ये आपको दिया रहेगा एमएम में। एक होता है आपका एन, जिसको बोलते हैं हम लोग नंबर ऑफ स्टार्ट, क्या बोलते हैं एवरीवन, नंबर ऑफ स्टार्ट। एक होता है हमारा पी, जिसको बोलते हैं हम लोग पिच, पिच ऑफ द लीड स्क्रू। तो आपको मालूम होगा कि पिच और नंबर ऑफ स्टार्ट में क्या रिलेशन होता है। तो आपको मालूम होगा कि सर लीड जो होता है वो होता है नंबर ऑफ स्टार्ट इनटू पिच, पढ़े होंगे ना ये आप, नंबर ऑफ स्टार्ट इनटू पिच, ये होता है आपका लीड। तो आप ध्यान दो एक मिनट एक चीज को, एक चीज को, एन इज इक्वल टू एल इंटू पी। अब इसको अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे माय डियर तो समझो गौर से, अगर किसी भी लीड स्क्रू का लीड दिया हुआ है तो अगर ये एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा, सुनना गौर से, अगर ये लीड स्क्रू एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है तो वर्क टेबल लीड स्क्रू के लीड के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, लीड स्क्रू के लीड के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। जैसे इस लीड स्क्रू का लीड दिया हुआ है 5 mm, तो इसका मतलब एक रिवॉल्यूशन अगर लीड स्क्रू कंप्लीट करेगा तो 5 mm वर्क टेबल ट्रैवल करेगा, क्लियर। कभी कभी क्या होगा क्वेश्चन में, अगर हम सिंगल स्टार्ट थ्रेड का, सिंगल स्टार्ट लीड स्क्रू का इस्तेमाल करें, तो सिंगल स्टार्ट का करेंगे तो लीड बराबर हो जाएगा पिच के, तो लीड बराबर पिच का मतलब हो गया एक रिवॉल्यूशन अगर हम लीड स्क्रू को रोटेट करते हैं, एक रिवॉल्यूशन अगर हम लीड स्क्रू को रोटेट करते हैं तो पिच के बराबर ये वर्क टेबल डिस्प्लेस होगा। तो बहुत सारे लड़के याद रखते हैं कि सर वन पर रिवॉल्यूशन द वर्क टेबल इज ट्रांसलेटेड इज इक्वल्स टू पिच ऑफ द लीड स्क्रू, लेकिन सही चीज आपको याद रखना है, क्वेश्चन कभी भी गेट में कॉम्प्लेक्स हो सकता है, कि एक रिवॉल्यूशन अगर लीड स्क्रू कंप्लीट करेगा तो लीड के बराबर वर्क टेबल डिस्प्लेस करेगा। लीड क्या होता है, एन इंटू पी, लीड क्या होता है माय डियर, एन इंटू पी। अब एन जो भी दे दे, सिंगल स्टार्ट होगा तो वो आपका पिच के बराबर हो जाएगा, क्लियर। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं एवरीवन, गौर से देखना थोड़ा सा, कि वन रिवॉल्यूशन बाय द लीड स्क्रू
अगर एक रिवॉल्यूशन लीड स्क्रू लगाएगा तो लीड एमएम वर्क टेबल ट्रांसलेट होगा, लीड एमएम वर्क टेबल ट्रांसलेट, लीड एमएम वर्क टेबल ट्रांसलेट। क्लियर एवरीवन? तो ये तो एक जनरल बात हुई, लेकिन अगर ये तो एक जनरल बात हुई लेकिन अगर फॉर सिंगल स्टार्ट अगर हम थ्रेड की बात करें, फॉर ए सिंगल स्टार्ट लीड स्क्रू अगर हम बात करते हैं, फॉर ए सिंगल स्टार्ट लीड स्क्रू, तो आप बोलोगे कि सिंगल स्टार्ट के लिए आपका n इज इक्वल्स टू 1, मतलब आपका लीड इज इक्वल्स टू पिच। तो 1 रिवॉल्यूशन बाई द लीड स्क्रू, ये सारे लड़के याद रखते कि एक रिवॉल्यूशन अगर लीड स्क्रू अगर एक रिवॉल्यूशन घूमेगा, लीड स्क्रू अगर एक रिवॉल्यूशन घूमेगा तो वर्क टेबल कितना ट्रांसलेट कर जाएगा, पिच के बराबर। कब? जब सिंगल स्टार्ट लीड स्क्रू होगा तो। ठीक है, वन रिवॉल्यूशन बाय द लीड स्क्रू पीएमएम वर्क टेबल ट्रांसलेट्स, पीएमएम वर्क टेबल ट्रांसलेट्स याद रखना, न्यूमेरिकल बनाने में बहुत काम करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं दोस्त, तो हमें पता चल गया कि अगर ये एक रिवॉल्यूशन घूमेगा तो पीएमएम ट्रांसलेट करेगा। तो एक्चुअल में कभी भी मान लो तुम्हें क्वेश्चन में दिया रहे पिच, ये दिया रहे तुम्हें कि एग्जांपल ले लो एक्सएमएम, क्या दिया रहे एक्सएमएम, तो तुम बाय डिफॉल्ट लिखो पिच को एक्सएमएम पर रिवॉल्यूशन, क्योंकि पिच इज एक्चुअली द डिस्प्लेसमेंट ओनली व्हेन द लीड स्क्रू रोटेटेड बाय वन रिवॉल्यूशन, देन द वर्क टेबल ट्रांसलेट्स बाय पीएमएम। तो हमेशा याद रखना कि एक रिवॉल्यूशन का डिस्प्लेसमेंट होता है पिच, तो अगर 5 mm दिया रहा है मतलब 5 mm पर रिवॉल्यूशन। लेकिन एक स्मार्ट बच्चा वो है जो गलत कर का, एक अच्छा बच्चा वो है जो चीजों को याद रखे। मान लो कभी कभी क्वेश्चन में होगा कि पिच दिया हुआ है 5 mm, लेकिन ये जो लीड स्क्रू है ये डबल स्टार्ट लीड स्क्रू है, तो डबल स्टार्ट लीड स्क्रू में आप एक लीड से, ये बॉटल का कवर है ना, बॉटल का कवर है, अगर ये डबल स्टार्ट हो थ्रेड बना हुआ है ना, तो आप एक रिवॉल्यूशन अगर कंप्लीट करेंगे वन रिवॉल्यूशन, तो ये 2 PMM डिस्प्लेस कर जाएगा, मतलब 2 pitch के बराबर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। समझ आई बात? तो अगर यहाँ पे डबल स्टार्ट होगा तो आपका एक रिवॉल्यूशन में 2 pitch डिस्प्लेसमेंट होगा, ट्रिपल स्टार्ट होगा तो एक रिवॉल्यूशन में 3 pitch डिस्प्लेसमेंट होगा। आई होप दिस क्लियर एवरीवन। कोई डाउट? एनी डाउट यहां तक समझने में, लीड स्क्रू नट मैकेनिज्म में? जल्दी से बोलो सब आदमी, प्लीज एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड यार, प्लीज रिस्पॉन्ड माय डियर। ओके क्लियर एवरीवन, कोई दिक्कत यहां तक? महालॉन्च एसएससी जेई सेशंस मंडल सर देख सकते हैं, बहुत सारे बच्चे बिल्कुल उसको देख सकते हैं आप, देखिए वहां पे मन वो हो रहा है स्ट्रीमिंग, बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर हैं अनअकैडमी के, वहां पे आप लोग उसको देखिए, मजा आएगा। क्लियर?
चलिए हम आगे बढ़े, यहां तक क्लियर है सबको, सारे बच्चों को क्लियर है यहां तक? ग्रेट, चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। बहुत बढ़िया, अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्त। यहां तक आई होप आपको क्लियर हो गई होगी चीजें। आप लीड स्क्रू नट में, ये चार चीज था, अगर आप इन चारों चीजों को समझ चुके हैं तो हम अब दो केस देखेंगे, एक ओपन लूप कंट्रोल यूनिट और दूसरा क्लोज लूप कंट्रोल यूनिट, राइट? तो इसको आप नोट कर लीजिए यहां तक। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो मैं एक ब्रेक ले लेता हूं 5 मिनट्स का एवरीवन। देन आई एम गोइंग टू कंटिन्यू अगेन, ओके? ब्रेक फॉर 5 मिनट्स, ओके? नोट करिए।
वेलकम बैक एवरीवन। लीड स्क्रू नट मैकेनिज्म, वी वर डिस्कसिंग द लीड स्क्रू नट मैकेनिज्म। लीड वन रिवॉल्यूशन बाय द लीड स्क्रू इज इक्वल्स टू लीड एमएम वर्क टेबल ट्रांसलेशंस। ओके, तो फॉर अ सिंगल स्टार्ट लीड स्क्रू द नंबर ऑफ स्टार्ट इज इक्वल्स टू वन एंड लीड इज इक्वल्स टू पिच। तो नाउ लेट्स स्टार्ट एवरीवन विदाउट गियर बॉक्स ओपन लूप कंट्रोल यूनिट सिस्टम। ओके, ओपन लूप कंट्रोल यूनिट सिस्टम विदाउट गियर बॉक्स। सी, नाउ सी गाइस, देखो पहला है हमारा सबसे फर्स्ट ओपन लूप कंट्रोल यूनिट। राइट, ओपन लूप कंट्रोल यूनिट से बहुत ज्यादा ही क्वेश्चन आता है गेट में, गेट का फेवरेट टॉपिक है ये। ओके, तो टू केसेस आर देयर, केस वन विदाउट गियर बॉक्स, देखो विदाउट गियर बॉक्स, न्यूमेरिकल देख रहे हैं, विदाउट गियर बॉक्स। देखो विदाउट गियर बॉक्स में एक और अजम्पशन है हमारा कि सिंगल स्टार्ट लीड स्क्रू, विदाउट गियर बॉक्स एंड सिंगल स्टार्ट, चलो इसको मैं बाद में देख लूंगा, विदाउट गियर बॉक्स। देखो अब होगा क्या विदाउट गियर बॉक्स में, समझना चीजों को अच्छे से। तो ये है हमारा पल्स जेनरेटर, ये है हमारा माय डियर पल्स जेनरेटर, समझो दिस इज योर। सबसे पहला कैसे कनेक्ट करेंगे, सबसे पहला है हमारा पल्स जेनरेटर, राइट, पल्स जेनरेटर मतलब यहां पे सबसे पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया, पहले मैंने पढ़ाया पल्स जेनरेटर, तो पल्स जेनरेटर या इनकोडर, इसके बाद क्या होगा स्टेपर मोटर। तो चलो राइट एवरीवन, देखो तो इसके बाद हमारा आएगा स्टेपर मोटर, राइट, दिस इज योर स्टेपर मोटर। अब इस स्टेपर मोटर से आपका कनेक्ट होगा एवरीवन एक शाफ्ट, स्टेपर मोटर, और स्टेपर मोटर से आपका कनेक्ट होता है लीड स्क्रू, ये लीड स्क्रू का शाफ्ट, राइट, ये आपका नट, राइट, और ये है आपका वर्क टेबल, दिस इज योर वर्क टेबल, करेक्ट। समझना यहां पे मैंने गियर बॉक्स का इस्तेमाल नहीं किया, ये आपका वर्क टेबल, राइट।
ये सबसे पहला जो मैंने आपको पढ़ाया दैट इज योर पल्स जनरेटर, दूसरा आपका स्टेपर मोटर, तीसरा आपका गियर बॉक्स, गियर बॉक्स तो नहीं है, चौथा है आपका लीड स्क्रू नट मैकेनिज्म। तो ये आपका हो गया पल्स जनरेटर, पल्स जनरेटर, पल्स जनरेटर, राइट। यह है आपका स्टेपर मोटर, राइट, और यह है आपका लीड स्क्रू, यह है आपका नट, यह है आपका नट, और ये है आपका वर्क पीस। अब देखो होगा क्या, इस चीजों को समझो। पल्स जनरेटर क्या करता है? पल्स को जनरेट करता है, पल्स देगा हमें। ये मैंने आपको पढ़ाया ना, पल्स जनरेटर, ये पल्सेस देगा। तो हमें देखना है कि अगर सबसे मिनिमम ये पल्स जनरेटर मिनिमम कितना पल्स दे सकता है, एक पल्स। तो हमें चेक करना है कि एक पल्स अगर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं मिनिमम वन पल्स, तो ये वर्क पीस जो है, ये वर्क टेबल है, वर्क पीस नहीं, वर्क टेबल लिखो ज्यादा सही होगा, वर्क टेबल, ठीक है, वर्क टेबल, तो ये वर्क टेबल आपका कितना डिस्प्लेस हो जाएगा, ठीक है, वर्क टेबल आपका कितना डिस्प्लेस हो जाएगा। तो नाउ सी एवरीवन, सपोज मैं यहां पे वन पल्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वन पल्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनकोडर ने सप्लाई किया किसको, स्टेपर मोटर को। तो एक पल्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी देने पर, एवरीवन सी, एक पल्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी देने पर स्टेपर मोटर कितना घूमता है, दैट इज योर अल्फा, अल्फा डिग्री, अल्फा इज द एंगल रोटेटेड बाई स्टेपर मोटर विन वन पल्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाइड। इसका मतलब ये आपका स्टेपर मोटर कितना रोटेट कर जाएगा, इट इज गोइंग टू रोटेट बाई, इट इज गोइंग टू रोटेट बाई माई डियर, अल्फा डिग्री, राइट। इट इज गोइंग टू रोटेट बाई अल्फा डिग्री। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर स्टेपर मोटर अल्फा डिग्री घूमता है, अगर स्टेपर मोटर अल्फा डिग्री घूमता है तो ये कितना रिवॉल्यूशन घूमेगा? तो बहुत ही सिंपल है, अगर हम इसको ऐसे देखें कि अगर कोई चीज 360 डिग्री घूमेगा तो इसको हम लोग बोलेंगे वन रिवॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? वन रिवॉल्यूशन। अगर कोई भी चीज 360 डिग्री घूमता है, अगर वो 1 डिग्री घूमता है, दैट इज योर 1/360 रिवॉल्यूशन, 1/360 रिवॉल्यूशन, अगर वो अल्फा डिग्री रोटेट कर रहा है तो दैट इज योर अल्फा/360, अल्फा/360 रिवॉल्यूशन, करेक्ट, अल्फा/360 रिवॉल्यूशन। तो इसका मतलब अल्फा डिग्री मींस कितना रिवॉल्यूशन हुआ, दैट इज अल्फा/360 रिवॉल्यूशन। मतलब एक पल्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी देने पे अल्फा/360 रिवॉल्यूशन मूव करता है कौन, स्टेपर मोटर। इस स्टेपर मोटर से कनेक्ट है कौन, लीड स्क्रू। तो लीड स्क्रू का जो शाफ्ट है वो भी कितना सीरीज में कनेक्ट है, वो भी कितना घूमेगा, सेम। तो इसका मतलब ये भी हमारा घूम जाएगा, ये भी हमारा घूमेगा अल्फा/360 रिवॉल्यूशन, राइट, अल्फा/360 रिवॉल्यूशन, करेक्ट। तो अब अगर लीड स्क्रू का शाफ्ट अल्फा/360 रिवॉल्यूशन मूव कर रहा है तो वर्क टेबल कितना मूव करेगा, राइट।
तो थोड़ा सा ध्यान दो एवरीवन, मैंने आपको लीड स्क्रू नट मैकेनिज्म के बारे में पढ़ाया था। लीड स्क्रू नट मैकेनिज्म, इसमें एक लाइन लिखा था, क्या लिखा था कि अगर, क्या लाइन लिखा था कि वन रिवॉल्यूशन बाय द लीड स्क्रू, अगर लीड स्क्रू एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है तो LMM वर्क टेबल ट्रांसलेट करेगा, राइट, LMM लीड। तो इसका मतलब ये हुआ कि वन रिवॉल्यूशन बाय द लीड स्क्रू, सुनो गौर से, अगर मैं ऐसा बोलूंगा कि वन रिवॉल्यूशन, अगर एक रिवॉल्यूशन लीड स्क्रू कंप्लीट कर रहा है तो वर्क टेबल लीड एमएम, लीड लीड एमएम ट्रांसलेट कर जाएगा, ठीक। लेकिन यहां पे लीड स्क्रू कितना रिवॉल्व कर रहा है, अल्फा बाई 360 रिवॉल्यूशन। तो अल्फा बाई 360 रिवॉल्यूशन अगर लीड स्क्रू, अल्फा बाय 360 रिवॉल्यूशन अगर लीड स्क्रू ट्रांसलेट करता है, ये रिवॉल्व करता है, तो ये कितना आपका ट्रांसलेट करेगा, अल्फा एल बाय 360 mm, अल्फा एल बाय 360 mm, क्लियर, अल्फा एल बाय 360 मतलब एक पल्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर हम देंगे तो वर्क टेबल कितना ट्रांसलेट हो जाएगा, अल्फा एल बाई 360 रिवॉल्यूशन। ये बात समझ में आई या नहीं आई, अल्फा एल बाई 360 रिवॉल्यूशन। तो ये हमारा हो जाएगा अल्फा एल बाई, ये कितना ट्रांसलेट किया, ये डिस्टेंस कितना हो गया, तो आप बोलोगे कि सर ये डिस्टेंस आपका हो गया अल्फा एल बाई 360, ठीक है, अल्फा एल बाई 360, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ वर्क टेबल। अब सारे बच्चों को मालूम है कि अल्फा एल बाई 360 को हम क्या लिख सकते हैं, माय डियर, इसे हम लिख सकते हैं अल्फा एन पी बाई 360, नंबर नंबर ऑफ स्टार्ट इनटू पिच, तो इसका मतलब तो ये अल्फा एल, अगर हम बोल दें कि फॉर सिंगल स्टार्ट लीड स्क्रू, जनरली क्वेश्चन में अगर कुछ मेंशन नहीं तो आप सिंगल स्टार्ट ही मानिएगा हर क्वेश्चन को, फॉर सिंगल स्टार्ट लीड स्क्रू, अगर हम सिंगल स्टार्ट लीड स्क्रू की बात करेंगे, मतलब हमारा नंबर ऑफ स्टार्ट क्या हो गया वन, मतलब हमारा लीड बराबर क्या हो गया पिच, तो हमारा ये कितना डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा अल्फा पी बाई 360। तो ये अल्फा पी बाई 360 जो डिस्प्लेसमेंट है वर्क टेबल का, ये किसकी वजह से है, अल्फा एल बाई 360 एक पल्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसी को क्या बोलते हैं बी एल यू, बेसिक लेंथ यूनिट, राइट, बी एल यू, दैट इज द मिनिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वर्क टेबल। वर्क टेबल बिना गियर बॉक्स के कितना डिस्प्लेस होगा, अल्फा एल बाई 360। तो इसका मतलब हमारा जो बी एल यू हो जाएगा यहाँ पे बेसिक लेंथ यूनिट, ये हो जाएगा अल्फा पी बाय 360। तो देखो बहुत सारे बच्चे यही याद रखते हैं अल्फा पी बाय 360, बहुत सारे बच्चे इसी को याद रखते हैं अल्फा पी बाय 360, लेकिन मैं उन्हें सजेस्ट करूंगा कि अल्फा पी बाय 360 के जगह पर आप क्या याद करिए, अल्फा एल बाय 360, क्योंकि उसमें क्या होगा आपके गलत होने की पॉसिबिलिटी एकदम घट जाएगी, क्योंकि कभी भी गेट में अगर चेंजेस किया, राइट, अगर इस लीड स्क्रू का लिख दिया कि ये डबल स्टार्ट है ट्रिपल स्टार्ट है, तो 90% लड़कियां गलत हो जाएगा, वो अल्फा पी बाई 360 करेंगे, पिच से मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा को, और उनका गलत हो जाएगा, उनको किससे मल्टीप्लाई करना, अल्फा एल से, राइट। और सिंगल स्टार्ट अगर बोलेगा, फॉर सिंगल स्टार्ट ओनली यू कैन राइट अल्फा एन पी बाई 360, और एन का वैल्यू 1 डाल देना, इनका वैल्यू 1 सिंगल स्टार्ट के लिए, तो ये आपको सिंगल स्टार्ट के लिए आंसर कितना आ जाएगा, फॉर सिंगल स्टार्ट ओनली यू कैन राइट अल्फा पी बाय 360। राइट, अल्फा पी बाय 360 फॉर सिंगल स्टार्ट, याद रहेगा दोस्त, बोलो क्लियर, अल्फा पी बाय 360 सिंगल स्टार्ट के, ऐसे अल्फा एल। तो ये हमारा क्या था, बिना विदाउट गियर बॉक्स था। तो आई होप कि आपको ये मैथमेटिक्स समझ में आया होगा।
अब थोड़ा सा मैं एक चीज और आपको बताऊं कि बीएलयू के बारे में, जैसे बोलता है कि बीएलयू क्या है, व्हाट इज बीएलयू, तो इसके बारे में दो तीन चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, उसको थोड़ा सा लिखिए। कभी भी आपसे एग्जाम में पूछे कि बताइए बेसिक लेंथ यूनिट, बेसिक लेंथ यूनिट, या आपसे बोले एक्सपेक्टेड पोजीशन एक्यूरेसी, एक्सपेक्टेड पोजीशन एक्यूरेसी, या आपसे बोले कंट्रोल रिजोल्यूशन, या आपसे बोले निकालने के लिए लीनियर रिजोल्यूशन, सब एक ही चिड़िया का नाम है, एक ही चीज निकालना, यही निकालना। राइट, तो बीएलयू क्या है? इट इज द मिनिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ दी वर्क टेबल। क्या माय डियर? मिनिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ दी वर्क टेबल। इट इज दी मिनिमम इट इज द मिनिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वर्क टेबल, ऑफ द वर्क टेबल, राइट। इट इज द मिनिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वर्क टेबल, राइट। कम से कम कितना डिस्प्लेस होगा? दूसरा आप बोल सकते हैं कि ये वो डिस्प्लेसमेंट है जब हम वन पल्स इलेक्ट्रिकल वोल्टेज स्टेपर मोटर को देते हैं। वन पल्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब भी आप स्टेपर मोटर को देंगे, जैसे ये स्टेपर मोटर को अगर आप एक पल्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे, तो जो भी वर्क टेबल का डिस्प्लेसमेंट होगा उसे ही हम क्या बोलेंगे? बीएलयू, बेसिक लेंथ यूनिट, या लीनियर रेजोल्यूशन। इट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वर्क टेबल। इट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वर्क टेबल। व्हेन वन पल्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी वन पल्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज सप्लाई, तो जब आप एक पल्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करिएगा तो उसकी वजह से जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसे ही हम क्या बोलते हैं माय डियर? बीएलयू, एक पल्स की वजह से। समझ गए? तो आपको याद रखना है बीएलयू, इसका यूनिट कोई पूछे कि क्या होता है, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट है तो इसका यूनिट आपका होता है एमएम, और बहुत ही मिनिमम डिस्प्लेसमेंट है इसलिए इसको हम माइक्रोमीटर के भी फॉर्म में लिखते हैं, राइट। माइक्रोमीटर, एमएम और माइक्रोमीटर। नेक्स्ट देखो, इसका फॉर्मूला जो अभी मैंने डिराइव किया बीएलयू, राइट, तो ये हमारा हो गया अल्फा। तीन फॉर्मूला है, तीन केस में आपको ध्यान में रखना है, राइट, तीनों आपको ध्यान में रखना है। एक है आपका अल्फा एल बाई 360, एक है अल्फा अल्फा एल बाई अल्फा एन पी बाई 360, क्योंकि लीड होता है नंबर ऑफ स्टार्ट इनटू पिच, और एक और हो गया आपका अगर सिंगल स्टार्ट है तो डायरेक्ट अल्फा पी बाई 360। तो 99% न्यूमेरिकल थर्ड केस से आता है सिंगल स्टार्ट के लिए।
अगर आप सिंगल स्टार्ट लीड स्क्रू यूज कर रहे हैं तो डायरेक्ट अल्फा पी बाई 360 कर सकते हैं विदाउट गियर बॉक्स, विद गियर बॉक्स में, विद का मैं बताऊंगा थोड़ी देर बाद, राइट। तो सिंगल स्टार्ट में सिंगल स्टार्ट लीड्स, करेक्ट। एनी प्रॉब्लम एवरीवन? एनी प्रॉब्लम? नोट कर लीजिए जल्दी। क्लियर है गाइस? आगे बढ़े। आगे बढ़ा जाए जल्दी से बताइए सब लोग प्लीज। क्लियर एवरीवन? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखते हैं विद गियर बॉक्स। विद गियर बॉक्स भी आपको मैं दिखाता हूं। विदाउट गियर बॉक्स हमने देख लिया, अब विद गियर बॉक्स देखो क्या होता है। तो चलो पहले प्रॉब्लम हम लोग कर लेते हैं विद गियर बॉक्स पे, विदाउट गियर बॉक्स पे कुछ प्रॉब्लम कर लेते हैं जिसमें हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखो कुछ टर्म्स है जो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ। देखो यहाँ पे देखो
कुछ टर्म्स है जिसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। देखो ये जो मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मजा आएगा आपको इसमें। देखो ये बॉक्स बहुत आपको काम करेगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। एक दो तीन चार पांच छ, ठीक। देखो पैरामीटर्स राइट एंड स्टैंडर्ड यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट और दिस इज आयासर यूनिट। ये शॉर्टकट है, ये जो मैं यूनिट बता रहा हूं इससे आप न्यूमेरिकल को बहुत फास्ट कर सकते हैं। पैरामीटर्स क्या क्या है हमारे पास? सबसे पहला पैरामीटर ये जो पिच दिया होता है हमें वर्क लीड स्क्रू का पिच, जनरली आप अल्फा पी बाई 360 से सवाल बनाएंगे पिच से, तो सबसे पहला है आपका पिच। आपका पी तो पिच का स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है? एमएम। लेकिन हमें मालूम है कि पिच है क्या एक्चुअली? पिच है एक्चुअली अगर ये आपका आपका ये जो लीड स्क्रू का शाफ्ट है ये अगर एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा तो वर्क टेबल पीएमएम डिस्प्लेस कर जाएगा, लीड एमएम डिस्प्लेस कर जाएगा। सिंगल स्टार्ट की अगर हम बात करें तो पीएमएम डिस्प्लेस कर जाएगा। तो एक्चुअली में पिच क्या होता है? पर रिवॉल्यूशन डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब आपको कभी भी क्वेश्चन में दिया रहे 5 mm है तो आप लिख दो 5 mm पर रिवॉल्यूशन, 5 mm पर रिवॉल्यूशन। दूसरा है माय डियर बीएलयू, बीएलयू आपका क्या है? देखो बीएलयू बेसिक लेंथ यूनिट आप पढ़े हैं, बेसिक लेंथ यूनिट राइट। बेसिक लेंथ यूनिट बीएलयू राइट। तो बीएलयू क्या होता है? ये भी एक तरह का डिस्प्लेसमेंट है। तो इसको इसका स्टैंडर्ड यूनिट होता है एमएम और माइक्रोमीटर, एमएम और माइक्रोमीटर। तो यहां पे हमें मालूम है कि बीएलयू इज द डिस्प्लेसमेंट पर पल्स। एक पल्स जब आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे, वन पल्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर स्टेपर मोटर को देंगे तो जितना वर्क टेबल डिस्प्लेस करेगा उसे ही बोलते हैं बीएलयू। तो इसका मतलब हम बाय डिफॉल्ट न्यूमेरिकल बनाने में क्या लिख सकते हैं? इज अ डिस्प्लेसमेंट पर पल्स, एमएम पर पल्स, एक पल्स का डिस्प्लेसमेंट है ये, ठीक है। तीसरा है हमारा जो इनकोडर है, जो हमारा इनकोडर है, देखो यहां पे ये हमारा पल्स जनरेटर है इनकोडर। तो ये एक डेफिनेट फ्रीक्वेंसी पे इस टेपर मोटर को इलेक्ट्रिकल पल्सेस देता है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी हर्ट्ज में दी हुई होती है कि नंबर ऑफ पल्सेस पर सेकेंड।
तो ये हमारा पल्स फ्रीक्वेंसी, ये आ गया हमारा एफ, तो ये आ गया हमारा हर्ट्स। स्टैंडर्ड यूनिट क्या देगा? हर्ट्स। तो हमें मालूम हर्ट्स क्या होता है? पल्स पर सेकेंड। हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे पल्स पर सेकेंड में, पल्स पर मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे। राइट, यहां से ओके। नेक्स्ट तुम देखोगे आरपीएम ऑफ द मोटर, आरपीएम ऑफ मोटर, दिस इज योर एन राइट। तो आरपीएम ऑफ द मोटर ये दिया रहेगा आरपीएम। स्टैंडर्ड यूनिट हम इसे किसमें लिखेंगे? रिवॉल्यूशन पर मिनट। इसमें लिखेंगे माय डियर रिवॉल्यूशन पर मिनट। इसको कभी कभी हमें चेंज करना पड़ेगा तो हम चेंज कर लेंगे रिवॉल्यूशन पर सेकेंड में। ओके दोस्त, नेक्स्ट आएगा हमारा वर्क टेबल स्पीड, टेबल स्पीड। तो ये होगा हमारा वी, तो वी हमारा होगा एमएम पर मिनट में। तो ये इसका तो सेम ही होगा स्टैंडर्ड यूनिट भी, एमएम पर सेकेंड में बदल लेना, एमएम पर मिनट या एमएम पर सेकेंड। और एक तुम्हारा होता है पल्स पर रिवॉल्यूशन, पल्स पर रिवॉल्यूशन राइट। इसको मैं बोलता हूं एक्स, पीपीआर, पल्स पर रिवॉल्यूशन। ये तुम्हें क्वेश्चन में दिया रहेगा कि 300 पल्स पर रिवॉल्यूशन। तो इसका यूनिट और आयाज सर का यूनिट दोनों सेम है, पल्स पर रिवॉल्यूशन राइट। तो आई होप कि ये दिख नहीं रहा होगा, तो इसको मैं थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ, नाउ इट इज विजिबल एवरीवन। तो इसको आप यहाँ पे ध्यान में रखिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट। दिख रहा है यहाँ से सबको ये यूनिट वगैरह दिख रहा है? वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइट देखो, तो ये पिच को अगर आपको दिया रहे 5 mm, तो आप 5 mm पर रिवॉल्यूशन लिख लो। बेसिक लेंथ यूनिट दिया रहे तो बेसिक लेंथ यूनिट को आप लिख लो एमएम पर रिवॉल्यूशन में। पल्स फ्रीक्वेंसी दिया रहे उसको पल्स पर सेकंड में लिख लो। आरपीएम दिया रहे उसको रिवॉल्यूशन पर मिनट में लिख लो। टेबल स्पीड दिया रहे और पल्स पर रिवॉल्यूशन, जो भी चीज दिया रहे उसको आप आयाज सर के यूनिट में लिख लो। न्यूमेरिकल बनाने में बहुत बेनिफिट होगा। क्लियर है यहां तक? जल्दी बताइए। क्लियर एवरीवन? नोट कर लीजिए इसको। नाउ आई एम गोइंग टू डेराइव सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला विच इज यूज इन एनसी एंड सीएनसी मशीन्स।
क्लियर गाइस, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं एवरीवन। देखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस है हमारे पास। क्या है इंपॉर्टेंट रिलेशंस? अगर हम इस आरपीएम को आरपीएम को पिच से मल्टीप्लाई कर दें, आरपीएम को पिच से, एन इंटू पी, राइट, एन इंटू पी, तो आरपीएम का यूनिट क्या है हमारा? रिवॉल्यूशन पर मिनट। और पिच हमारा क्या है दोस्त? देखो पिच है हमारा एमएम पर रिवॉल्यूशन। और ये होता है हमारा रिवॉल्यूशन पर मिनट। तो अगर तुम इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तुम्हें क्या मिलेगा यहां पे? तुम्हें यहां पे रिजल्ट मिलेगा एमएम पर मिनट। एमएम पर मिनट, ओके। तो ये तुम्हारा आ गया अभी तो इसमें ये एमएम पर मिनट किसका यूनिट है? एमएम पर मिनट हमारा यूनिट है टेबल स्पीड का, एमएम पर मिनट। तो ये एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है जिसको हम लोग बहुत वाइडली न्यूमेरिकल प्लांट में यूज करते हैं कि वर्क टेबल स्पीड इज इक्वल्स टू RPM of the motor into pitch of the lead screw, right? इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। दूसरा, अगर आप BLU को पल्स फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दें, देखो BLU का यूनिट क्या है हमारा? BLU है माई डियर MM, BLU है हमारा रिवॉल्यूशन, सॉरी BLU का यूनिट क्या है? स्टैंडर्ड यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट है माइक्रोमीटर और मीट MM, लेकिन आयास पर यूनिट क्या है? MM पर पल्स, MM पर पल्स, MM पर पल्स, ओके। इनटू फ्रीक्वेंसी क्या है हमारा? फ्रीक्वेंसी है हमारा पल्स पर सेकेंड या पल्स पर मिनट, हर्ट्स में दिया होगा, पल्स पर सेकेंड।
तो ये हमारा पल्स पल्स आउट, तो ये हमारा आ गया एमएम पर सेकेंड। एमएम पर सेकेंड तो ये हमारा आ जाएगा, एमएम पर सेकेंड किसी का यूनिट है, वर्क टेबल स्पीड का। तो ये हमारा आ गया, क्या गया माय डियर भी याद रहेगा। तो भी आ गया हमारा BLU इनटू F, रिमेंबर दिस एवरीवन, BLU इनटू F। तो ये दो फॉर्मूला हम लोगों ने डराइव किया, V इज इक्वल्स टू BLU इनटू F। तो इसका मतलब इन जनरल बात करें अगर, तो हमारा ये हो जाएगा, कभी भी तुमको निकालना हो वर्क टेबल स्पीड तो तुम यूज कर सकते हो, V इज इक्वल्स टू NP N इंटू P BLU इंटू F, राइट। ये एक इन जनरल हमारा ये फॉर्मूला, क्लियर। कभी कभी न्यूमेरिकल में बोलेगा कि कीपिंग द वर्क टेबल स्पीड टू बी कॉन्स्टेंट, अगर मान लो कभी बोलता है कीपिंग द वर्क टेबल स्पीड टू बी कॉन्स्टेंट, कीपिंग द वर्क टेबल स्पीड टू बी कॉन्स्टेंट। तो अगर हम वर्क टेबल स्पीड को कॉन्स्टेंट रखेंगे तो इसका मतलब हमारा दो रिजल्ट वैलिड। अगर मान लो क्वेश्चन में बोलेगा इसको आप कॉन्स्टेंट रखिए, ध्यान रखना, अगर तुम इसको कांस्टेंट रखते हो तो ये बॉयल्स लॉ आ गया ना, बॉयल्स लॉ मतलब BLU1 इंटू F1 इज इक्वल टू BLU2 इंटू F2, या N1 इंटू P1 इज इक्वल टू N2 इंटू P2। तो इसका मतलब हमारा ये दो रिजल्ट वैलिड हो जाएगा कि N1 NP कांस्टेंट मीन्स N1 P1 इज इक्वल्स टू N2 P2, करेक्ट। दूसरा हमारा BLU इंटू F भी हमारा कॉन्स्टेंट है, तो ये हमारा आ जाएगा एवरीवन BLU1 F1 इज इक्वल्स टू BLU2 F2। तो वी कैन एक्सपेक्ट प्रॉब्लम इन गेट एग्जाम फ्रॉम बोथ दी इक्वेशंस, ओके। तो इन गेट 2008 वी हैव ऑलरेडी सीन वन प्रॉब्लम व्हेन द टेबल स्पीड वाज कांस्टेंट। तो व्हेन टेबल स्पीड वाज कांस्टेंट BLU इनटू F इज कांस्टेंट। तो इफ सपोज यू आर डबलिंग द पल्स फ्रीक्वेंसी, तो वेन एवर यू डबल द पल्स फ्रीक्वेंसी व्हाट इज गोइंग टू हैपन, अगर इसको डबल करेंगे तो ये हाफ हो जाएगा, बिकॉज PV कांस्टेंट, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला विल बी द ग्राफ। तो अगर तुम ग्राफ ड्रॉ करोगे सपोज BLU और F के बीच का, मैं एक ही दिखा रहा हूं, दोनों का ही देख लो, RPM और पिच का, RPM और पिच, और दूसरा तुम देख सकते हो BLU और F, राइट। तो ये हो गया आपका RPM N, ये हो गया आपका पिच, ये हो गया आपका BLU, और ये हो गया आपका F। तो द ग्राफ विल बी रिक्टेंगुलर हाइपरबोलिक लाइक दिस, राइट। लाइक दिस, क्लियर, प्लीज नोट डाउन एवरीवन। दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स इन NC एंड CNC मशीन्स।
क्लियर गाइस? क्लियर? तो विदाउट गियर बॉक्स का हमने देख लिया पूरा, अब विद गियर बॉक्स वाला देखना है तो ये हम लोग कल देखेंगे। ओके, तो नाउ आई एम गोइंग टू एंड टुडे सेशन एवरीवन। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस वेरी ब्यूटीफुल सेशन ऑफ एनसी 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 मशीन्स। सारे फॉर्मूले को एक बार रिकॉल कर लीजिएगा कल के लेक्चर्स में आने से पहले, सो डैट कि हम लोग सारे न्यूमेरिकल्स को अच्छे से सॉल्व कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और गेट का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कल कल के सेशन में। और अभी मेरी एक स्पेशल क्लास है 10 PM से, तो आई रिक्वेस्ट एवरी वन टू ज्वाइन द 1 आवर सेशन ऑन अनअकैडमी स्पेशल क्लास। दिस स्पेशल क्लास रियली हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द बेसिक न्यूमेरिकल्स ऑफ एनसी एनसी एनसी। तो अभी मैंने टॉपिक को जहां पे एंड किया है वहीं से स्पेशल क्लास में आज के मैं आपको प्रॉब्लम्स बताऊंगा एनसी और सीएनसी का, ठीक है? तो ज्वाइन करिए 10 PM से आप सभी लोग। Thank you. Thanks a lot, everyone. Please do subscribe the channel. Let's crack Gate ME channel and press the bell icon for notifications. Like and share this video with maximum number of students. Thank you, everyone. Bye, all of you. Bye. Thank you.